जय माता दी। दोस्तों, मंजू सोनी भजन माला में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आप लोग का इंतजार खत्म हुआ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे कि मैं जल्दी ही आप लोग के लिए सरल ताल की बहुत ही आसान से बजने वाली ढोलक लेकर के आऊँ। तो मैं आप लोग के लिए बहुत ही ऐसी सरल ताल की ढोलक बहुत सारी लेकर के आने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज मैं जो आप लोग के लिए ढोलक लेके आई हूँ वो दादरा ताल है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, बहुत ही आसान और सरल तरीका। और उसका मैं पार्ट वन लेके आई हूँ, उसका सेकंड पार्ट भी डालूंगी। तो चलिए हम ये ढोलक आपको स्टार्ट करते हैं आज। और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी प्रॉब्लम हो दोस्तों में शेयर करिए। तो जिन्होंने अभी नया नया सीखना स्टार्ट किया उनको मैं बता दूं कि ये बेस वाला, ये छोटा बड़ा भाग बेस कहलाता है, जहाँ पर हम पाक लगाते हैं ऐसे। यहाँ मारते तो ये खुला बेस है, बीच में मारते तो बंद बेस। खुला बेस, बंद बेस, खुला बेस, बंद बेस, खुला बेस, बंद बेस। और ये छोटा भाग चाटी कहलाता है, जहाँ पर हम उंगलियाँ चलाते हैं। तो ये तीन उंगली हम ऊपर लेंगे और ये एक सिंगल अंगूठी, ये अंगूठे के बाजू वाली उंगली नीचे लेंगे। तीन ऊपर एक नीचे, तीन ऊपर एक नीचे, तीन ऊपर एक नीचे। बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आते हैं कि हमारी उंगलियां नहीं चल रही हैं। तो आप देखिए, मन लगा के प्रैक्टिस करिए। तो ऐसा कोई काम नहीं है कि हम नहीं कर सकते। तो आप मन लगा के प्रैक्टिस कर लीजिए और मन में एक जुनून पैदा कर लीजिए कि हमको ढोलक सीख कर ही छोड़नी है, तो जरूर आएगी आपको ढोलक। तो ये तीन उंगली हम ऊपर लेंगे, एक सिंगल नीचे, तीन ऊपर एक नीचे, तीन ऊपर एक नीचे, इस तरह से लेनी है आपको। अब ये ढोलक एक से छः तक की गिनती में है। तो जो लय मैं आपको बता रही हूँ तो उसको आप दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। उसी लय में हमको हाथ और अपनी उंगलियाँ भी चलानी है। तो देखिए कैसी है लय। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। एक, एक के बाद हमको थोड़ा रुकना है। एक, दो, तीन, चार, दो, तीन, चार जल्दी है, फिर पाँच, छः। एक, दो, तीन, चार, चार के बाद भी हम हल्का सा रुकेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो इस लय में हमको अपने हाथ उंगलियां चलानी है और इसी लय में ही गिनती भी बोलनी है। तो देखिए कैसे बजाएंगे हम। एक में हम बेस में मारेंगे खुला बेस और ये तीन उंगली ऊपर लेंगे। कैसे देखिए, एक, एक खुला बेस और ये तीन उंगली, एक, दो, दो हम ये तीन उंगली फिर से ऊपर लेंगे, एक, दो, एक, दो। अब तीन, ये सिंगल उंगली नीचे, तीन, एक, दो, तीन, चार में फिर से ऊपर तीन उंगली, चार, देखिए, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, चार तक हो गया। अब पांच, छह हमको कैसे लेना, पांच, पांच में बेस में भी और चाटी में भी तीन उंगली, पांच, छह सिंगल उंगली नीचे। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अभी मैं लय में नहीं बता रही हूँ आपको, ये अभी आपको उंगलियाँ कहाँ रखनी वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अब इसको हम लय में लेंगे तो देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। 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 यहाँ पर देख लीजिए, समझिए हमारा बेस है। अब देखिए कैसे लेंगे हम। एक, ये तीन उंगली, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः।
तरह से हमको लेना है। थोड़ा तेज करेंगे तो देखिए, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। तो ये इस तरह से बजेगा। अब देखिए मैं आपको बजा के बताती हूँ। देखिए एक दो तीन चार, ये खुला बेस ही हमको लेना है, एक में मारना है। देखिए एक दो तीन चार पाँच, तो एक में हमको लेना है और पांच में लेना है। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। अभी आपने नया नया स्टार्ट किया है तो बिल्कुल आराम से बस ऐसे ही बजाइए। एक दो तीन चार, इस तरह से एक दिन दो दिन इसी तरह बजाइए। फिर जब आपके हाथ अच्छे से सेट हो जाएंगे तो अपने आप ही तेज होने लगेंगे। अब देखिए मैं थोड़ा थोड़ा तेज करती हूँ इसको। देखिए एक दो तीन चार, मैं एक करवा चौथ का बहुत ही प्यारा भजन भी सुना रही हूँ इसी ताल में। तो आप लोग ये ताल सीखिए और ये भजन भी गाइए। करवा चौथ के लिए मन लगा के प्रैक्टिस करिए, जिससे आप लोग को ढोलक अच्छी तरह करवा चौथ तक आने लगे। तो इसमें जो मैं थपकी लगाऊंगी इस गाने में, तो वो मैंने उसका थपकी का वीडियो डाला हुआ है। देखिए एक एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच, इसका वीडियो मेरा पड़ा हुआ है। तो आप वो वीडियो देख करके थपकी सीखिए। तो देखिए कैसे लगाएंगे थपकी, एक बार फिर से देखिए। एक एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच, एक एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच। तो एक एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच। उसके बाद ये ढोलक हम स्टार्ट कर देंगे, थपकी लगा के फिर ढोलक स्टार्ट करेंगे भजन में। देखिए कैसे एक बजेगा। तो देखिए मैं आपको भजन भी सुनाती हूँ और वो भजन आप अच्छे से नोट कर लीजिए और करवा चौथ में जरूर गाइए। तो सुनिए, करवा चौथ की पूजा हमारे अंगना, करवा चौथ की पूजा हमारे अंगना, करवा चौथ की पूजा हमारे अंगना, हमारे अंगना जी हमारे अंगना, हमारे अंगना जी हमारे अंगना, करवा चौथ की पूजा हमारे अंगना, करवा चौथ की पूजा हमारे अंगना, करवा की पूजा
अभी आपको गाना बताया, तो तेज में सोचेंगे हमको आ जाए तो तुरंत तो नहीं आएगी। आप लोग मन लगा के प्रैक्टिस करिए तो आप लोग को बहुत जल्दी आएगी और बहुत अच्छे से आएगी। तो जैसा भी हो, यदि आप लोग को कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिए, ज़रूर पूछिएगा, और जो भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। अरे